हेलो फ्रेंड्स, माई स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इस समय एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, ये हम लोग पहला वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का पहला पार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा चुका है। तो अगर आप लोग ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से लेके चलिए। ज्योग्राफी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आप सोचिए, आप कक्षा 6 के बच्चे के सामने जब पहली बार भूगोल आता है तो उसका इंटरेस्ट लाने के लिए चीज़ें कहाँ से शुरू की जाती है। तो बिल्कुल वहीं से चीज़ों को स्टार्ट किया गया है दोस्तों। हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समय के अनुरूप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जो है इस सौरमंडल के बारे में बताया था, यहाँ पे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इसके बारे में बताया था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हमको दे रहा है, क्या आप जानते हैं, क्या जानने की बात कर रहे हो भाई, बताओ। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। कितना अच्छा बात बताया, रोमन कहानियों में सूर्य देवता को किस नाम से पुकारा जाता था, सोल। किस नाम से, सोल। अब यही सब एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनता है कि रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या बोलते थे। ऑप्शन दे देगा, सौर्य, सूर्य, सोल, शूल। अब दे दिए, अब जिसको पता होगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वो बता देगा सोल बोला जाता है, बाकी लोगों की बस की बात नहीं है, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। जो हम लोग सौर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है, सूर्य से संबंधित, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सूर्य से संबंधित। और इसलिए सूर्य के परिवार के लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों सौर मंडल। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों के बारे में जानकारी यहाँ पर अब दी जा रही है, उसके बारे में आप पढ़िए। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था, फिलहाल यहाँ पे जो बात दे रहा है उसके बारे में सुनिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक तरह का क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी के साथ साथ रहता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। मैंने बताया था कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से और उष्मा प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं, चमकते हैं, और उनके पास अपना चंद्रमा है। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, ठीक है, तो वो मायने अभी नहीं रखता। आगे देखिए, सौर मंडल के बारे में क्या जानकारी दे रहा है। सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य के साथ उनके 8 ग्रह, और 8 ग्रह के साथ जिनके भी 7 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं वो, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी, किसके बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी वो, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है, जिसका मुखिया सूर्य है। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, सूर्य सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। किसके केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बहुत पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड सूर्य के अगल बगल घूम रहा है। कुछ से मानते थे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में, तमाम तरह की अवधारणाएँ थीं। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हूँ दोस्तों खगोल की, उसमें मैंने 7-8 वीडियो पर डाला हूँ, और आप खगोल की में जाके वहाँ पे डिटेल में इन सब चीज़ों के टॉपिक के बारे में देख सकते हैं। एक बार जाइए आप खगोल की का वीडियो देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा कि वाकई ज्योग्राफी पढ़ते कैसे हैं। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं खगोल की का वीडियो ज़रूर से देखें, खगोल की, ठीक है। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब हमारे ग्रह जो पृथ्वी ग्रह है उससे तो बहुत बड़ा है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तभी तो यार बोलते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, ऐसे थोड़े बोलते हैं, गर्म है तभी तो। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। देखिए, इस गर्म होने की वजह से इसके अंदर एक तरह की शक्ति है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी हमारे पृथ्वी के अंदर होता है, उसी तरह से एक आकर्षण शक्ति, उसको गुरुत्व तो नहीं कहेंगे, एक आकर्षण शक्ति, मैं आगे बताऊंगा इस फोर्स के बारे में, वो आकर्षण शक्ति सूर्य के पास है और उसी वजह से सौर मंडल के सभी ग्रहों को बांधे रखता है। नहीं पता चलता कि अरुण बरु क्या करते, चक्कर मारते मारते कहीं और चले जाते घूमते घूमते। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा और ऊष्मा का कोई स्रोत और नहीं है, केवल एक ही स्रोत है, वो कौन सा है, सूर्य।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, लगभग कितना, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा का नाम आपने सुना है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जो है तुलसीदास जी द्वारा तैयार किया गया, और तुलसीदास जी जो थे वो किसके काल में थे? तो वो अकबर के काल में थे। जिस समय न्यूटन फ्यूटन ने कोई आया नहीं था, गैलीलियो आए नहीं थे, उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, कि तुलसीदास जी ने ये बता दिया था कि जो पृथ्वी है उससे सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आपको ये बताना है हनुमान चालीसा की कौन सी लाइन से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये आपको बताना है। अगर आप बता लोगे ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सुनिए, हनुमान चालीसा के किस लाइन से पता चलता है कि तुलसीदास जी ने यह बताया है कि पृथ्वी से सूर्य जो है करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए, जिस समय लोगों को पता नहीं होता था। अच्छा, इसके बाद हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, बाद में एक को हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को हटाया गया। प्लूटो को, इसको हिंदी में दोस्तों यम बोला जाता था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 2006 में हटाया गया, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में इसको हटाया गया। अच्छा, सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो कुल 8 ग्रह किस प्रकार से हैं? तो इस प्रकार से हैं। पहला बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है। इन 4 ग्रहों को चट्टानी ग्रह कहा जाता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। देन क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। अरुण और वरुण याद रहेगा, अरुण और वरुण। तो नेपच्यून और यूरेनस में कंफ्यूज मत होएगा, पहले यूरेनस है बाद में नेपच्यून है। तो ये दूरी के अनुसार लाइन बाई लाइन ये ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तरीका बता रहा है आपको याद करने का। कोई तरीका नहीं होता यार, आप आराम से पढ़ो, आराम से चीज़ों को याद करो, ये सब तरीका वगैरह भूल जाता है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। कुछ शब्द की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बता रहा है आपको। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी जो है वो एक किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हम लोग फटाक से बोलते हैं कि कौन सा चीज़ कवर कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, शुरू मतलब स्टार्टिंग में किससे लिया गया था? ग्रीक से, फिलहाल तो अंग्रेजी से, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पहला है जी और दूसरा है ग्रेफिया। जी ग्रेफिया, जी का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रेफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है, यानी पृथ्वी के संबंध में कुछ लिखना, कुछ जानना, कुछ अध्ययन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। वही यहाँ बता रहा है जी, जी माने जियो, जियो। अगर देखिए यहाँ पे लॉजी अलग गया तो अध्ययन हो जाएगा, मेट्रिया लग दिया तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा, जियोमेट्रिया, ठीक है, जियोमेट्री बोलते हैं, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोइड बोल दिया तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप की बात करें, जियोइड मतलब जैसा पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो कहोगे अंडाकार है, अंडाकार नहीं है। कहोगे संतरा के आकार, नहीं, वो सब सही उत्तर नहीं है। पृथ्वी का आकार घनाव है, बताइए ऑप्शन वन। पृथ्वी का आकार गोलाब है, गोलाब, तो क्या सही है? पृथ्वी घनाभ नहीं है, घनाभ कर दोगे तो चकोर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा आकार है? तो गोलाब, गोला भी नहीं है दोस्तों, क्या बोलेंगे? गोलाब, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ज्योइड, क्या बोलते हैं? ज्योइड। वही बता रहा है पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ज्योइड बोला जाता है। आगे बढ़िए, यहाँ पर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो तो हमें पता है, ठीक है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं मानूँ कि ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर एकदम ऐसे बराबर दूरी पे नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों अपना चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार में नहीं, एकदम वृत्ताकार नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसे लगाते हैं, देखो ये ऐसे, समझ रही, ये दीर्घ वृत्ताकार मतलब एकदम गोल नहीं है। इनका क्या है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या है, ये चक्कर लगाते हैं, और यही ग्रहों की कक्षा कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रहों की कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, पता है हमको, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको मात्र 88 दिन लगता है। जाहिर सी बात है लगेगा, जाहिर सी बात लगा। मैं आपसे कहूँ कि भैया बीच में एक कुर्सी रख दो उसके चारों तरफ घूम जाओ, और बीच में एक चौकी रख दो या मेज रख दो, बड़ा सा टेबल रख दो उसके चारों तरफ घूमो, तो दोनों में बराबर समय लगेगा, ज़्यादा दूरी फैला रहेगा,
तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी जो ज़्यादा दूर स्थित होगा वहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, जो नज़दीक है वो कम समय लगेगा, ठीक है। तो बुध को जो 88 दिन लगता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के समान है, बिल्कुल इसका आकार, इसकी आकृति, ये सब पृथ्वी के समान है, लेकिन वहाँ पे जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ठंडा हो जाती है। दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो टेम्परेचर 250-300-400 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, और रात में माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये उसकी खासियत है। तो ऐसे में वहाँ मानव जीवन हो ही नहीं सकता, और इसको चमकीला ग्रह भी करते हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब भी इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड जिसका नाम है 2003 UB313, जिसको सीरस बोलते थे, इसको तथा प्लूटो, इन दोनों ग्रहों को बौना ग्रह का संज्ञा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यह जो है दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काट देते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काट देते हैं, इसीलिए इनको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। आगे पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं, बताओ भैया, बहुत कुछ जानते हैं ज्योग्राफी में। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। आह सच्ची यार, रात में अभी कभी आसमान देखो कितना अच्छा लगता हो नज़ारा, हाँ है कि नहीं, भीनी भीनी हवा चल रहा हो, साथ में गर्लफ्रेंड हो तो और भी मज़ा है। कुछ लोग कहेंगे सर शादी के बाद से बहुत रोमांटिक हो गए हैं, तो क्यों ना हो जाऊँ यार, होने दो रोमांटिक, क्या दिक्कत है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, जो लोग खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन खगोल शास्त्री किसको माना जाता है, आर्यभट्ट को माना जाता है। ओके चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी हम पृथ्वी के बारे में ले लें। पृथ्वी के बारे में सूर्य की दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है तीसरे नंबर पर है, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, बार बार रटेंगे तो याद हो जाएगा, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। आकार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी जो है पाँचवें नंबर पे है, मतलब पृथ्वी 3-5 करती है। पृथ्वी क्या है, 3-5 करती है, 3-5 मतलब कि दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे, आकार के हिसाब से पाँचवें नंबर पे, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, तभी तो मैंने कहा ये गोलाब है या भूआब है, यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या बोलते हैं, भूआब बोलते हैं। भूआब मतलब पृथ्वी के आकार के समान, या गोलाब भी बोल सकते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, तो बहुत सारा कारण है। यहाँ पे देखिए एक और टर्म्स आपके लिए दे रहा है, क्या आप जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या आप जानते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वही वाला काम बता रहे, याद रखा करिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, प्रकाश की गति कितनी है, तो याद रखिए प्रकाश की गति जो है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में प्रकाश निर्वात में, कहाँ पर निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है, ठीक है, निर्वात में इसकी चाल कैसी, कितना है, तो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद, इतना तेज चलने के बावजूद प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाता है। इतना तेज, 1 सेकंड हुआ 300,000 किलोमीटर प्रकाश चला गया, इतना तेज चलने के बावजूद भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। कितना दोस्तों, 8 मिनट, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, और इसके अलावा अगर बात कर दें कि अन्य जो ग्रह हैं क्या वहाँ जीवन की संभावना है, तो भैया खोज हो रही जीवन की संभावना है, कि कुछ कुछ चांसेस हैं कि मंगल ग्रह पे इस तरह की संभावना बने, ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो जब आएगा तो पता चल जाएगा। पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मानव जीवन है तो अद्भुत माना ही जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। किस रंग की, नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सतह पर, 2/3 हिस्से पर क्या है, पानी भरा हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। कुछ रोचक तथ्य और भी दिया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा पर इन्होंने कदम रखा, ये पहले व्यक्ति थे। और 69 में दोस्तों हमारे यहाँ इसरो बना था, 69 में हमारे यहाँ क्या बना था, इसरो बना था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी बातें चंद्रमा के बारे में, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर केवल जो आसपास में सबसे पाया जाता है वो एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक ही सेटेलाइट है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। यानी पृथ्वी के व्यास का, व्यास मतलब डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। ये रेडियस होता है, आधी आधे हिस्सा को त्रिज्या बोलते हैं। जब दो आर मिला दिया जाता है तो दो आर बराबर क्या होता है, व्यास, यानी डी बराबर क्या होता है, 2R। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्यों, क्योंकि यह अन्य ग्रहों के सदिश से पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा खगोलीय पिंड है तो उत्तर आपका क्या होगा, आपका उत्तर होगा चंद्रमा, आपका उत्तर होगा चंद्रमा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की जो दूरी हमारे पृथ्वी से है वो है 384,400 किलोमीटर। कितना है, 384,400 किलोमीटर, ठीक है। और अब आप पृथ्वी से और सूर्य की, चंद्रमा से और सूर्य की तुलना कर सकते हैं दोनों को। आगे देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है भाई। पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी को चक्कर लगवाता है, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चंद्रमा को चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है चलता रहता है। मानव निर्मित जो उपग्रह है, जो मानव अपना सेटेलाइट भेजता है, ये क्या करता है, ये पेट्रोल से चलता है या कैसे चलता है, ये अपने आप चलता है, ये पृथ्वी कक्षा में अपने आप चलता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, जैसे चंद्रमा घूम रहा है वैसे ये भी घूमता है, सेटेलाइट भी घूमते हैं बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी पावर के। हाँ, हालांकि इसके ऊपर सौर प्लेट लगी होती हैं ताकि इनमें करंट का सप्लाई हो सके, फ्लो हो सके, और वहाँ से जो डेटा है वो पृथ्वी तक आ सके, इसके लिए वहाँ पे सौर पैनल लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज करने के लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तो जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है सूर्य की ऊर्जा ही एकमात्र तरीका है जिससे वो चार्ज हो सके। तो मानव निर्मित उपग्रह जो है ये एक तरह का कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम याद रखिए, इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये सारे उपग्रह जो हैं ये भारतीय उपग्रह हैं, इंडियन सेटेलाइट हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सेटेलाइट होता है, जैसे ये भारत है, यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा वगैरह हो गए, यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है और आसमान में जाने के बाद क्या होता है, रॉकेट खुल जाते हैं और ये अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती हैं और ये पूरा जब उपग्रह कक्षा में प्रवेश करता है तो कुछ इस तरीके का आकार हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, चंद्रमा जो है वो कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, तो याद रखिएगा 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय पर यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे ये हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, कोई भी है, और यहाँ पे चंद्रमा है, तो आप लोग बचपन से जो चंद्रमा पे दाग देखा है ना, दाग, चंद्रमा पे दाग, ठीक है, तो वो चंद्रमा को जो दाग है हमको बचपन से एक ही जगह दिखता है। अगर चंद्रमा जो है रोटेट करता, अगर घूमता, तो ये दाग पीछे भी तो जा सकता था और चंद्रमा का दूसरा हिस्सा हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पूरा जीवन जब तक अस्तित्व है पृथ्वी का, जब तक अस्तित्व है चंद्रमा का, हम चंद्रमा के एक ही हिस्सा को देख पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर प्लस अपना रोटेशन सेम टाइम में पूरा करता है। इसी वजह से जैसे मैं कहूँ कि एक गाड़ी पे आप बैठे हो और एक गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, एक गाड़ी आपकी है और इसी के समानांतर ठीक यहाँ पे एक मेरी गाड़ी है, तो दोनों जब एक साथ एक ही स्पीड से चलेंगी तो कभी भी आप गाड़ी का दूसरा हिस्सा या आगे पीछे का हिस्सा देख पाओगे, कभी ज़िंदगी में आगे पीछे का हिस्सा नहीं देख पाओगे। अरे भाई, आगे पीछे होने के लिए दोनों की स्पीड में अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चंद्रमा क्या करता है, जितने टाइम पे घूर्णन करता है, जितने टाइम पे अपने अक्ष पे घूमता है, उतने ही टाइम पे पृथ्वी का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। याद रहेगा आपको, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, यहाँ न वायु है न पानी है, इसका कोई अपना वातावरण नहीं है, इस वजह से जो है इसको हम यहाँ पर रहने जैसा कोई माहौल नहीं है। हालांकि चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं वो क्या है, वहाँ के पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, जब पूर्णिमा होता है तो इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, आप एक कमेंट करके बताइएगा हमें कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा
हमें दिखाई देता है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत, हमको लगता है 58% के आसपास का हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। एक बार आप इसको सर्च करके कमेंट में मैसेज करिएगा, चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो कभी आधा नहीं दिखाई देता है, कभी आधा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जिस तरह से पृथ्वी गोला भूआब है उसी तरह से वो भी है, ठीक है। वो पूरा अंडाकार नहीं है, ना है तो वृत्ताकार है। तो 58% का हिस्सा दिखाई देता है। तो एक बार देख के हमको बताइएगा कितना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य संख्या में छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमारी पृथ्वी या हमारे साथ जो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ खाली यही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। असंख्य संख्या में छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पिंडों को कहा जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी भी है, कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के ठीक बीच में, ठीक है। ये पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ग्रहों के हिस्से हैं। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि माना जाता है यार, देखो ग्रह टूटे होंगे तभी तो ये बने होंगे। या हो सकता है कोई सेटेलाइट टूटा हो, कोई उपग्रह टूटा हो, कोई ग्रह टूटा हो, किसी ग्रह का कोई भाग उखड़ गया हो, तो अब क्या करेगा वो भाग जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बंधा रहेगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बंधा रहेगा, तो वहीं पर घूमता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का चीज़ हो सकता है, ओके। या एक चीज़ और भी हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरे दिमाग में है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मंगल के बाद कोई एक ग्रह रहा हो, चट्टानी ग्रह रहा हो, जो किसी वजह से टूट गया हो, जो किसी वजह से टूट गया और उसका जो कड़ है वो चारों तरफ बिखर गया हो, जिसके वजह से बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी मिल गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोचना आपको है, समझना आपको है, समझो सोचो, अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है? कोई कन्फ्यूजन नहीं, अच्छे से समझिएगा। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। यार मूड क्यों खराब कर रहे हो? अभी पीछे बताए कि छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, अभी बोल रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड बोलते हैं। दो नाम क्यों रखा आपने? एक ही नाम याद करूंगा, चाहे क्षुद्र ग्रह याद करूंगा, चाहे उल्का पिंड याद करूंगा। या तो अंतर बता दो आप, या तो अंतर बता दो। अब ये कोई बात थोड़ी थी क्षुद्र ग्रह टूट के अलग हुए हैं और उल्का पिंड नहीं टूट के अलग हुए हैं। अरे भाई, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो क्या अलग नहीं हो सकते हैं ग्रहों से टूट के? हो सकते हैं। तो क्या क्षुद्र ग्रह नहीं हो सकते हैं? फिर अंतर क्या है? देखो, कभी कभी ये उल्का पिंड, देखो उल्का पिंड जो है, एक्चुअली उसका नाम उल्का पिंड क्यों पड़ता है? जब तक ये आसमान में रहता है तब तक उल्का पिंड कहाँ है ये नहीं पता है, तब तक वो क्षुद्र ग्रह है। जब तक आसमान में है तब तक ये क्षुद्र ग्रह है। जैसे ही कोई क्षुद्र ग्रह या कोई भी पिंड किसी ग्रह के संपर्क क्षेत्र में आता है और अचानक से पास में अगर आ जाए, तो उस ग्रह की जो आकर्षण शक्ति होती है वो क्या करती है? उसको खींच लेती है। उसको क्या करती है? खींच लेती है। और जैसे ही खींचती है तो ये उल्का पिंड उस ग्रह के बहुत करीब आ जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के रूप में पृथ्वी को लूँ तो याद रखिए, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब पृथ्वी उनको आकर्षित करने लगती है और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने लगते हैं। इसकी प्रक्रिया से क्या होता है, उतना तेज़ी से अगर किसी चीज़ को खींचेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण होता है। वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद ये जल जाता है। फलस्वरूप एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई कोई उल्का पूरी तरह से जल जाता है तो समाप्त हो गया, और कभी कभी पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो पृथ्वी पे गिर जाता है। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि कभी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको मिसाइल से, रॉकेट से मार करके तोड़ फोड़ दिया जाता है कि वो किसी आके किसी जो है शहरी इलाके में न गिर जाए, तो फिर क्या हो जाएंगे, शमशान बन जाएगा वहाँ पे। तो ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि इसको ला के कहाँ गिरा दिया जाए, समुद्री क्षेत्रों में गिरा दिया जाए, जहाँ समुद्र है वहाँ पे गिरा दिया जाए, ताकि मानव जनधन की कोई हानि न हो पाए, ओके। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर ये गिर गए हैं और भारी भारी गड्ढे बन गए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक दलदल मिट्टी है और उसमें आप कोई बड़ा सा पत्थर खींच के मार दो तो पत्थर क्या हो जाएगा, जाएगा, गड़ जाएगा। तो उतने दूर से वो उल्का पिंड आ रहा है तो जिस वेग से आ रहा है उसी वेग से धस नहीं जाएगा, तो गड्ढे बन गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? तो बहुत सारे जगह मैं आपको बताऊँगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ पर भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, आगे हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको फिगर वाइज, ये खुद ही एनसीईआरटी में पढ़ाया गया, तो सब कुछ हम लोग पढ़ते जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर आकाशगंगा के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आपने तारे वाले खुले आसमान में देखा है जहाँ पर आप देखते हैं कभी कभी इसको एक सफ़ेद रूपी पट्टी दिखती है, चमकदार रास्ता दिखता है, वो एक्चुअली वो रास्ता ही आकाश गंगा कहलाता है। उसका दूसरा नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी और उसी के बाद इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा, कि आकाश में गंगा बह रही है, इसी वजह का नाम पड़ गया आकाश गंगा। फिलहाल उसको मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक समूह होता है। इस प्रकार की लाखों, समझिएगा, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएँ मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब आप समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लाखों करोड़ों तारे मिलकर के, सूर्य जैसे लाखों करोड़ों तारे मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। एक आकाश गंगा के अंदर लाखों करोड़ों सौरमंडल भी पाए जाते हैं और लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब हम लोग इस ब्रह्मांड के इतने तुच्छ जीव हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतने छोटे अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है, इसको सोच ही नहीं सकता व्यक्ति कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक अभी भी अधिक से अधिक जानकारी करने के लिए एकत्र हैं और हमेशा आप लोग देखते रहते हैं कि बार बार जो है प्रयोग होते रहते हैं, कभी इसरो करता है, कभी नासा करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर हैं तो हम पृथ्वी के अंदर हैं, पृथ्वी सौरमंडल के अंदर है, सौरमंडल आकाशगंगा के अंदर, आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंदर है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की संरचना है, ठीक है। चलिए इस तरफ है दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा दोस्तों कि मैं आपको अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन पढ़ूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, आप इसके बारे में समझिएगा। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? वाह क्या बात पूछिए। अरे यार, तारों के पास अपनी ऊष्मा होती है, उसमें नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रकाश देते हैं, वो प्रदीप्त होते अवस्था में होते हैं। जबकि ग्रह क्या होते हैं, इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपना लाइट नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं भाई, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। सबसे बड़ा अंतर सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे, सौरमंडल क्या है, सौर परिवार क्या है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। पहला क्या था, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ख़त्म कहानी, ठीक है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, यहीं पर जीवन है, यही लिए अद्भुत है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो अपने धुरी पर रोटेशन करता है, इसके साथ साथ जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये दोनों काम एक समय में वो पूरा कर लेता है, इसीलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, जान ही रहे हो आप, करोड़ों सौरमंडल को मिला करके एक आकाशगंगा बनती है, करोड़ों आकाशगंगाओं को मिला करके ब्रह्मांड बनता है, कल्पना नहीं कर सकते। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है दोस्तों, शुक्र ग्रह को। बाकी बृहस्पति को पीला ग्रह, शनि को काला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। शुक्र को भी चमकीला ग्रह बोला जाता है, पृथ्वी की बहन बोला जाता है, सुबह का तारा, सांझ का तारा बोला जाता है, भोर का तारा बोला जाता है। पृथ्वी का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। शुक्र किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। बुध किस नंबर पर, पहले नंबर पर है। इन दोनों ग्रहों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास है, नाम है चंद्रमा, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये बताना आपको, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्त मतलब क्या होता है, एकदम गोला हो गया है, आयताकार तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसा लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाता है, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ से दूरी कुछ और है, यहाँ से दूरी कुछ और है, इसी की वजह से तो मौसम परिवर्तन होता है, मैं आपको बताऊँगा आगे। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। फिर पूछ रहा है, खाली स्थान भरो, किसका एक समूह जो विभिन्न पत्रूपों का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको भरना है, ठीक है, ये काम आप खुद से करिएगा और ताकि आपका भी कुछ माइंड डेवलप हो। और इस तरफ है दोस्तों, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, चार्ट वार्ट तैयार करने की इच्छा है तो कर लो चार्ट वार्ट तैयार, फिलहाल तो बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये यहाँ से दूरी दे रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पता होगा। तो इस तरफ है दोस्तों, हम लोग का जो चैप्टर वन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह से एनसीईआरटी को बहुत इजी वे में आराम से कवर करेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी, देखो अगर आप जल्दीबाजी करोगे नहीं पढ़ पाओगे। मेरे साथ आप 15-20 दिन का समय दो, आपको मैं 6 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी ख़त्म कर दूंगा, एक महीने के अंदर कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी ख़त्म कर दूंगा। और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई आपने ज्योग्राफी पढ़ा है,
पता है कि मैं ऐसा मानता हूँ ज्योग्राफी के मामले में कोई बुक इसका तोड़ नहीं है, एनसीईआरटी का तोड़ है ही नहीं ज्योग्राफी के मामले में, बहुत अच्छी है ज्योग्राफी, एक बार पढ़िएगा। साथ ही साथ बस एक ही निवेदन आपसे दोस्तों कि प्लीज़ अगर वीडियो पे ऐड आता है तो विनम्र निवेदन है मेरे भाई, इस ऐड को ज़रूर से देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। एक निवेदन और बाकी जान रहे हो कि कितना प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे नए चैनल पे आ जाइए जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड्स, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रेंड्स पे आइए और पढ़ाई करिए और अपना भविष्य बनाइए। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग को मजबूत करने के लिए 4G मैथ्स चैनल पे आइए, ठीक है। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैथ्स आपको सिखाई जाती है, तो रटाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।